हेलो डी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स वेलकम बैक वंस अगेन विल बी लर्निंग सब्जेक्ट हिंदी लेसन फोर्टीन पार्ट चौदह आज का पार्ट है ये कविता है पोएम है कविता का मतलब होता है पोएम आज हम इस कविता को पढ़ेंगे इस कविता का नाम है मुझे, मुझे न काटो भाई क्या है मुझे न काटो भाई ओके डन चॉप मी ब्रदर ओके इस पार्ट को इस लेशन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कौन ये कह रहा है इज सेइंग मुझे ना काटो भाई ओके देन वी विल लर्न वाई ओके ही सेइंग दैट डोंट कट मी ओके ओके टर्न टू पेज नंबर फिफ्टी वन ओके टर्न टू पेज नंबर फिफ्टी वन अस स्टार्ट आवर लेसन बट बिफोर दैट वी विल सी वर्ड मीनिंग इस शब्दार्थ को देखेंगे ओके

तो मीनिंग पढ़ना चाहिए सबसे पहले हिंदी में शब्दार्थ बोलते हैं मैं बार बार पिछली क्लास में भी मैंने बताया था इन द प्रीवियस क्लास शब्दार्थ का मतलब है शब्द प्लस अर्थ मिलाकर शब्दार्थ हो गया ये दो शब्द को मिलाकर ओके यहाँ देखिए यहाँ भी दो शब्द है इंग्लिश में भी अंग्रेजी में भी वर्ड मीनिंग ओके एक ही वर्ड और मीनिंग ठीक है ना वर्ड मीनिंग उसी तरह यहाँ तो एक साथ लिखा है क्योंकि इन दोनों को मिलाकर एक शब्द बना शब्द प्लस अर्थ को शब्दार्थ हुआ तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग शब्दार्थ को पढ़ेंगे सबसे पहले है राही ओके यहाँ देखिए राही राही का मतलब है यात्री और दूसरा भी शब्द दिया है मुसाफिर ओके ट्रैवलर वन हु ट्रैवल्स ओके एक जगह से दूसरा जगह जाना आप भी गए होंगे ट्रैवल किया होगा आपने ओके आप भी राही यात्री ओके यू मस्ट बी ट्रावलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ओके आपने कभी ना कभी तो ट्रैवल किया होगा आप गाड़ी से एक गाड़ी से दूसरे जगह गए होंगे ओके okay, गाड़ी में चढ़कर। उसी तरह राही यात्री मुसाफिर मतलब है ट्रैवलर ओके okay? सुस्ताना सुस्ताना मतलब आराम करना ओके okay? आराम करना रेस्ट ओके okay? जब थकते हैं when वी आर टायर्ड वी टेक रेस्ट है ना नहीं? सुस्ताना आराम करना ठीक है उसके बाद से छा छा चा मतलब छाया छा मतलब छाया सेठ सेडी प्लेस ओके छाया सेठ जो पेड़ के नीचे क्या आता है सेड आता है ना छाया बोलते हैं उसको ठीक है दवा दवा मतलब औषधि दवाई भी बोलते हैं ना हम लोग ठीक है दवा दवाई औषधि मतलब मेडिसिन आपने खाया नहीं कभी बुखार हुआ हो आपको है ना नहीं सर दर्द हुआ हो खांसी हुआ हो उस समय हम दवा लेते हैं औषधि लेते हैं मेडिसिन लेते हैं नहीं? मेडिसिन उसके बाद है आस आशा मतलब होप आशा करना, ओके? आस भी बोलते हैं उसको, आशा होप उसके बाद है मतलब है भरा हुआ फील्ड ओके पूरा कंप्लीट ओके ओके कंप्लीट होल ओके पूरा भरा हुआ पूरित है कंप्लीट है ठीक है सो दीज आर वर्ड मीनिंग्स ओके फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फ्रॉम योर लेशन मुझे ना काटो भाई ओके okay. तो ये है मुझे ना काटो ओके ओके डंट चॉप मी मुझे ना काटो ओके डंट कट मी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ आपको दिया गया है ओके okay. पिक्चर दिया गया है आपके पार्ट में पार्ट चौदह में इसका नाम है मुझे ना काटो भाई में देखिए पिक्चर देखिए एक इंसान एक आदमी क्या है कुल्हाड़ी लेकर क्या काट रहा है पेड़ ट्री को काट रहा है तो ये हमें समझ में आया कौन काट कौन बोल रहा है ये मुझे ना काटो भाई डन काट मी ब्रदर सेइंग ट्री पेड़ बोल रहा है तो पढ़ते हैं इसमें क्यों मत काटो क्यों मत काटो वाई

मैंने तुम्हें छा पहुंचाई okay. आई हैं। सूरज जब ऊपर चढ़ जाता जब सूरज ऊपर चढ़ जाता है जब सूरज okay. आगे आ जाता है मतलब दिन ज्यादा ढल जाता है सूरज मतलब सन ओके okay. सूरज का मतलब होता है सन ऊपर चढ़ जाता है। मतलब सन जो है और ज्यादा ज्यादा गर्म होने लगता है, है राही राही मतलब क्या है वर्ड मीनिंग में पड़ा राही मतलब यात्री ओके मुसाफिर ट्रैवलर जब ऊपर चढ़ जाता ओके सॉरी राही यहां बैठ सुस्ताता तो राही ट्रैवलर भी दिन ज्यादा चढ़ने के वजह से दिन ज्यादा गर्म होने के वजह से वो भी इस पेड़ के नीचे आकर सुस्ताता सुस्ताता सुस्ता मतलब आराम करता है टेक रेस्ट ट्री इवन द ट्रैवलर मीठे फल मेरे वो खाता बदले में क्या कुछ दे जाता ना वो मीठे फल खाता है ओके हमें आपने आपने खाया खाया होगा फाल, फाल खाया होगा मीठा फल फल आम खाया होगा सेब खाया होगा मैंगो एप्पल ना क्या क्या फल खाया है है नहीं कहाँ से मिलता है पेड़ से मिलता है उसके पेड़ से मिलता है, है तो पेड़ कह रहा है यहाँ मीठे फल मेरे वो खाता कौन खाता ट्रैवलर राही भी मीठे फल खाता है स्वीट फ्रूट्स खाता है बदले में क्या कुछ दे जाता और बदले में व्हाट गिव्स ओके फॉर दैट ओके व्हाट ही और सी गिव्स बैक ओके सेवा की और को भलाई ओके okay? सेवा को की और की भलाई सेवा सेवा मतलब सर्विस मदद करना सहायता ओके हेल्प करना कि भलाई करना गुडनेस सेवा की और की भलाई नहीं काटना मुझको भाई मैंने आपको क्या दिया है मैंने फल भी दिया है मैंने छा दिए आपको सेठ फ्रूट्स फल मुझे मत काटो मैंने आपको सेवा भी किया है ना है नहीं ओके आगे मेरी जड़ी बुटिया लेकर जड़ी बुटिया मतलब क्या है दवाई ओके जड़ी बुटिया पेड़ के जड़ी बुटिया ना पेड़ से हमें पेड़ से हम दवा भी बना सकते हैं ना नहीं प्लांट्स से लेकर बनती दवा उस जड़ी बुटिया से रूट्स से है ना नहीं उसके जड़ मतलब रूट रूट से ओके उसके उसके ये ओके जो कवर है उससे भी हम लोग क्या बना सकते हैं दवा बना सकते हैं बनती दवा हकीमों के घर हकीम के ओके लोकल डॉक्टर्स हकीम ओके वो भी दवा बनाते हैं बनती दवा हकीमों के घर और दवा बनाते हैं और बीमार लोगों को खिलाते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं चंगाई हो जाते हैं बुरे ओके okay, बनती दवा हकीमों का के घर खाकर उससे ठीक हो जाते हैं और जो दवा खाते हैं इसके पेड़ पौधे से निकल वो भी ठीक हो जाते हैं बूढ़े लड़के सब सुख पाते हैं और बूढ़े भी ओल्ड मैन लड़के जवान भी बॉयज भी सुख पाते हैप्पी ओके दे गेट हैप्पीनेस आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन ओके हमसे सब में खुशी आई मैंने सबको खुशियाँ दी है आई इज सेइंग ट्री पेड़ बोल रहा है ये ठीक है नहीं काटना मुझको भाई डन मी ब्रदर ओके ओके मुझे मत काटो ठंडी हवा हमी हमी से चलती मैं ठंड हवा भी आपको दे देता हूँ है ना नहीं हमी से हवा हवा भी चलती है हवा भी देते हैं ना ऑक्सीजन भी देता हूँ ठीक है ना ओके ओके तो जन जन में जीवन रस भरती और सब जन जन में ओके आई गिव देम लाइफ ओके कौन बोल रहा है जीवन रस भर देती हूँ ओके okay? मुझे लगाओ अपने पास यू प्लांट मी कौन बोल रहा है ट्री वी हैव टू प्लांट ट्रीज ओके वी हैव टू प्लांट ओके प्लांट्स ओके मुझे लगाओ अपने पास मुझे अपने पास लगाओ ओके okay? पूरित हो जीवन की आस और आपकी आशा पूरित मतलब क्या है कंप्लीट जीवन मतलब लाइफ आस मतलब होप आपका होप जो योर होप विल बी फुलफिल्ड ओके कण कण में सुंदरता आई ओके okay? नहीं काटना मुझको भाई और सब में मैं क्या सभी छोटी सी छोटी चीजों में कण कण में स्मॉल थिंग्स में भी सुंदरता सुंदरता मतलब ब्यूटी आई नहीं काटना मुझको भाई डन काट मी डन चौप मी ब्रदर्स ना ये पेड़ काट रहा है है ना नहीं पेड़ नहीं काटना चाहिए इसका मतलब ओके ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटने से क्या होता है हम जानते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटने काटने से भूस्खलन लैंडस्लाइड भी होता है है ना नहीं हम ये जानते हैं ज्यादा से ज्यादा पे, पेड़ काटने से क्या होता है सही समय में वर्षा बारिश भी नहीं होती है वी डोंट गेट ओके रेन ऑल्सो टाइमली सो कटिंग ओके सो मेनी ट्रीज डिफॉरेस्टेशन ओके बहुत ज़्यादा पेड़ों को ट्रीज को काटना नहीं चाहिए ओके okay, हमें पेड़ को लगाना चाहिए इसलिए यहाँ क्या बोला है मुझे लगाओ अपने पास पूरी तो जीवन की आस मुझे लगाओ प्लांट में ओके हु इज सेंग ट्री इज से एंड वी शुड नॉट कट डेट मच ट्री ओके हमें पेड़ काटते हैं यस yes, हमें चाहिए लकड़ी भी चाहिए वी गेट ओके फायरवुड्स वी गेट टिम्बर है नी हम बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से जंगल से लेते हैं है नी फिर भी हमें पेड़ लगाना चाहिए है नी ओके ओके डियर स्टूडेंट्स हुई शुड प्लान ट्रीज ओके हमें पेड़ लगाना चाहिए एक कार्ट देते हैं तो दस लगाना चाहिए वेन वी कॉट वन ट्री वी शुड प्लान टेन ट्रीज ओके और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए तो मुझे ना काटो भाई डॉन कॉट मी ब्रदर डॉन चौप मी हुई सेंग ट्री इज से ओके ये पेड़ बोल रहा है ठीक है तो ये आ, कविता हम लोगों ने पढ़ी आगे चलते हैं क्या है ये ये है आपका प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर ओके फ्रॉम मुझे ना काटो भाई डोंट चॉप मी ब्रदर फ्रॉम दिस लेशन नंबर क नहीं काटना मुझको भाई ये कौन कह रहा है हु इज सेइंग नहीं काटना मुझको भाई डॉन्ट कॉटमी ब्रदर ये पेड़ कह रहा है वृक्ष भी लिख सकते हैं, ओके, पेड़ मतलब ट्री कह रहा है नंबर ख राही कहाँ सुस्ताता है और कब राही ट्रैवलर कहाँ आराम करता है और कब वेन पेड़ के नीचे और जब सूरज चढ़ जाता है तब सुस्ताता है जब सूरज चढ़ जाता है तब वो आराम करता है पेड़ के नीचे कौन ठीक हो जाते हैं और कैसे बीमार दवा खाकर ठीक हो जाते हैं कौन ठीक हो जाते हैं ओके बीमार आदमी जो बीमार मतलब जो सिख हैं ओके ईल हैं वो दवा खाकर ठीक हो जाते हैं जो पेड़ पौधों से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ से दवा बनाकर खाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं नंबर घ वृक्ष ट्री जन जन में जीवन रस कैसे बढ़ता है वो कैसे हमारे जीवन में रस को बढ़ता है ओके हमारे जीवन में लाइफ देता है वृक्ष ठंडी हवा देकर ठंडी हवा मतलब क्या है कूल एयर देकर जन जन में जीवन भर देता है यह है आपका क्वेश्चन आंसर ओके फ्रॉम दिस लेशन यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक ओके टू में सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने डैश का निशान लगाए क्रॉस का निशान लगाइए ओके ट्रू फॉल्स है दवा जड़ी बूटियों से बनती है यस yes, ट्रू है ये दवा मेडिसिन हमें जड़ी बूटियों से बनती है ट्रू करो इसको करेक्ट राही ट्रैवलर वृक्ष को काटता है नहीं राही ट्रैवलर फॉल्स काटता नहीं है ठंडी हवा जन जन में जीवन रस भरती है, cool air, okay, हमारे जीवन में रस भर देती है ट्रू वृक्ष को अपने पास मत लगाओ गलत अपने पास लगाना चाहिए दिस बट वृक्ष को अपने पास मत लगाओ ये नहीं बोलता है वृक्ष क्या कहता है वृक्ष अपने पास लगाओ बोलता है पर यह गलत है वृक्ष को अपने पास मत लगाओ ये क्रॉस कर दीजिए दवा खाकर सब सुख पाते हैं यस दिस इज करेक्ट ओके अंडरस्टैंड एंड राइट समझे और लिखे समझे मतलब अंडरस्टैंड फर्स्ट लिखे राइट क्या है ये मीठे ए मात्रा बहुवचन में है सिंगुलर में मीठा लड़के बॉयस लड़के ए मात्रा लगाया है बॉयस हुआ ये सिंगुलर में लड़का बॉय मेरी ओके मेरा ओके बूढ़े बूढ़ा अपने अपना तो इस तरह से आप इसको लिखिए मीठे मीठा लड़के लड़का मेरी मेरा बूढ़े बूढ़ा अपने अपना पर्यायवाची शब्द सिनोनियम ओके सेम वर्ड सिनोनियम पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में सेम वर्ड को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं राही का यात्री पथिक मुसाफिर दीज आर द सेम वर्ड्स राही ट्रैवलर का घर हाउस गृह आल्सो हाउस आवास भी घर है निकेतन भी घर है हाउस सूरज सन सूर्य भी बोलते हैं रवि भी बोलते हैं भानु भी बोल सकते हैं आप ठीक है सो दीज आर ऑल सेम वर्ड्स ऑफ सन हवा एयर पवन भी बोल सकते हो वायु भी बोल सकते हो समीर भी बोल सकते हो सो दीज आर दिनियम्स ओके आपके बुक में दिया है उपसर्ग और प्रत्यय उपसर्ग मतलब होता है प्रीफिक्स प्री मतलब आगे ओके okay? और सफिक्स मतलब पीछे शब्द के साथ आगे और पीछे जोड़कर कुछ शब्द बनाते हैं ओके okay, उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स अंग्रेजी में इंग्लिश में जो शब्द किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं उपसर्ग किसको बोलते हैं प्रीफिक्स ज्वाइनिंग वर्ड्स ओके इन अस फेस ओके इन अ फ्रस प्लेस ओके देन वी मेक अ न्यू वर्ड्स ओके जो शब्द किसी मूल से आगे जोड़ते हैं आगे पीछे नहीं है आगे पीछे जोड़ने वाले को तो प्रत्यय बोलते हैं फिर वर्ड के साथ पीछे जोड़ देते हैं कोई ना ओके जैसे कि ओके मान के साथ आप जोड़ेंगे तो अप अपमान हो जाएगा तो आपने मान के साथ आगे प्रीफिक्स में जोड़ दिया ओके उपसर्ग में अप अपमान ओके तो आगे जोड़कर जो नया शब्द बनाते हैं उसको हम उपसर्ग इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं प्रत्यय मतलब होता है सफिक्स अब ये जो है जो शब्द किसी मूल शब्द मेन वर्ड मूल शब्द मूल मतलब, main, मतलब, के अंत में, अंत मतलब last, पीछे, आगे हैं ये मतलब पीछे अंत में जुड़कर जोड़कर नया शब्द बनाते न्यू वर्ड बनाते उन्हें प्रत्यय कहते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं ठीक है ओके प्रत्यय बोलते हैं ठीक है ना तो इसी तरह आपके बुक्स में भी दिया गया आप उस उसमें लिख सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय भी आप आगे भी जोड़कर उपसर्ग बनाइए पीछे जोड़कर प्रत्यय बनाइए ठीक है तो प्रीफिक्स और सफिक्स हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स आगे किसी ओके अक्षर को भी जोड़ सकते हैं किसी वर्ड को भी जोड़ सकते हैं और हम एक नया शब्द न्यू वर्ड बनाते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं और प्रत्यय मतलब किसी शब्द मूल शब्द के पीछे ओके okay, जोड़कर ओके okay, उसको जोड़कर नया शब्द बनाते हैं न्यू वर्ड बना देते हैं तो उसे पीछे जोड़ने वाले को सफिक्स आगे जोड़ने वाले को प्रिफिक्स आगे जोड़ने वाले हिंदी को उपसर्ग और पीछे वाले को प्रत्यय बोलते हैं ठीक है तो ये आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा एक कविता पढ़ी इस कविता का नाम था मुझे ना काटो भाई डोंट चॉप मी ब्रदर ओके पेड़ बोल रहा है मुझे मत काटो ठीक है इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है इस लेसन से हम सीखते हैं हमें ज़्यादा ज़्यादा पेड़ नहीं काटना चाहिए पेड़ काटते भी हैं तो लगाना चाहिए दो वी कॉट ट्रीज बट वी शुड प्लान ओके प्लान्स ट्रीज ओके और यहाँ से पेड़ से हमें ओके okay? आराम करने का जगह सेड भी मिलता है छा ओके okay? हमें यहाँ से क्या फल फ्रूट्स भी मिलता है और हमें और क्या मिलता है दवा मेडिसिन भी मिलता है है ना नी और लकड़ी फायरवुड्स भी जलाने का जो लकड़ी है वो जंगल से मिलता है हमें तो लकड़ी ये पेड़ जो है बहुत कुछ देता है हमें है ना नहीं? हमें बहुत कुछ देता है वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम ओके फ्रॉम द ट्री सो वी शुड नॉट कॉट द ट्रीज ओके दो वी कॉट ट्रीज बट वी शुड प्लांट टू ओके हमें पेड़ लगाना चाहिए इसीलिए वो कहता है लगाओ मुझे लगाओ अपने पास ओके प्लांट मी ओके ये कहता है तो आज का लेसन है डन ओके चॉप मी ब्रदर ओके तो इस पार्ट से हमें सीखने को मिला कि हमें पेड़ इतना ज़्यादा नहीं काटना चाहिए पेड़ लगाना चाहिए ठीक है थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे